My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you all through this program. मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। I welcome all of you to this program and be blessed by the Lord today. मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज इसके द्वारा आपको आशीष दे। And we need God's abundant blessings for every day. और हमें हर दिन के लिए परमेश्वर से भरपूर आशीषों की आवश्यकता है। So I have selected one beautiful verse from the Bible. इसलिए मैंने बाइबल में से एक बहुत ही सुंदर वचन को चुना है। Turn your Bibles to Psalm chapter 2 and verse 12. अपनी बाइबलों को भजन संहिता 2 अध्याय उसके 12 वचन पर खोलें। Blessed are all those who put their complete trust upon him. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। What a beautiful verse it is. यह कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर पद है। Just put your complete trust upon God. बस अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें। Trusting God at all times is a true Christian life. हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना ही एक सच्चा मसीही जीवन कहलाता है। When we receive everything, when we are all right, we say, I am a Christian, I have every blessing. जब हमें सब कुछ मिलता रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, सब आशीषें मिली होती हैं, तो हम कहते हैं, मैं एक मसीही हूँ। But my precious brothers and sisters, when we go through troubles and tribulations, we struggle in our life, we don't think about Christ at all sometimes. परंतु मेरे भाइयों बहनों, जब हम मुश्किलों और परेशानियों में से गुजरते हैं, तो हम जीवन में संघर्ष करते हैं और बहुत बार मसीह के बारे में नहीं सोचते। So we have to think about God all the time. That will bring success in all through our lives. इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में सोचते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन भर हमें सफलता मिलती रहेगी। एक स्त्री कई जिम्मेदारी निभाती है अपने परिवार में। जब उन पर कोई आपत्ति आती है, तो पूरे परिवार का माहौल सुन्न हो जाता है। घर के हर सदस्य के चेहरे पे उदासी रहती है। मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है, मैं लोखंडवाला में रहती हूँ और 2 साल से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन किसी डॉक्टर ने मेरी ये प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पाया। मतलब कोई भी डॉक्टर के पास जाती थी तो वो हमेशा यही कहते थे कि गैस प्रॉब्लम है या खाने में कोई इन्फेक्शन है। मतलब किसी डॉक्टर ने कुछ पकड़ा ही नहीं इस बीमारी को। 8 से 10 डॉक्टर मैंने चेंज किए, सब ने एक ही शिकायत की है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, गैस की दवाई दे देते थे, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं मोशन भी जाती थी तो मोशन के साथ फुल मतलब ब्लड भी निकलता था, लेकिन फिर वो ही कहते थे कि नहीं, तुम्हें कुछ खाने में तकलीफ हो गई होगी या इन्फेक्शन हो गया होगा। तो इस मतलब फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि सारे डॉक्टर करता था, तब मुझे मतलब किसी ने मेरी तकलीफ पकड़ी ही नहीं। सिर्फ टेंशन में रहती थी कि मतलब मुझे क्यों बार बार ऐसे हो रहा है, यही मेरा टेंशन रहता था कि मैं जो भी कुछ खा रही हूँ ना, मुझे कुछ ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना कुछ, मतलब मेरे बॉडी में भी कुछ नहीं लग रहा है ऐसे। तो मतलब बस मुझे हमेशा इसी बात का टेंशन होता था कि मेरे पेट में कुछ मतलब रहता ही नहीं है। मैं कुछ भी खाती हूँ तो वो मतलब मोशन मुझे जाना पड़ता है 8 से 10 बार। तो ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, ना मेरा वेट गिरता जाता था, मुझे बार बार मोशन होते थे। तो बस मैं इसी में यही टेंशन रहता था मेरा कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। 2 साल हो गए तो किसी डॉक्टर ने मेरी तकलीफ़ ही नहीं पकड़ी थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कैंसर है। एक डॉक्टर ने मुझे मतलब बताया कि तुम्हें मतलब कैंसर है, तुम्हें मतलब और वो भी 3rd stage है। तो मैं काफ़ी मतलब बहुत डर गई थी कि मेरा बच्चा भी छोटा, अब आगे क्या होगा। मेरे सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे और मैं सिर्फ यीशु परमेश्वर से सिर्फ प्रे कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी और सिर्फ मैं रो ही रही थी बस। जब आप सोचते हैं कि अब क्या होगा, पर परमेश्वर आपके सब दुखों को जानता है, आपकी हर बीमारियों से वाकिफ है, वो आपको हर तरीके से छुटकारा दिलाता है। काफ़ी मतलब मैं बहुत रोती थी और रेडिएशन में भी काफ़ी तकलीफ होती थी मुझे। तो मतलब ऐसे बोलते थे कि जब तुम्हारा रेडिएशन होता है तब यीशु पर प्रभु को तुम याद करो, तुम्हारे सामने तुम्हें ऐसे नज़र आएंगे, तुम्हारा साथ देंगे। तो रेडिएशन में भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, मतलब जो सिम्टम्स थे उनके वो थोड़ा बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन जितनी तकलीफ़ होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई। फिर बाद में मेरी बहन ने मुझे रेडिएशन के बीच में मैं यहाँ पे यह ऑपरेटर केंद्र में आई। मतलब मैंने भगवान से, यीशु परमेश्वर से प्रे किया
मैं अभी क्योर हूँ। जो दूसरी सेकेंडली रिपोर्ट है तो डॉक्टर का ये कहना था मुझे कि मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसी रिपोर्ट देख रहा हूँ। इतनी अच्छी रिपोर्ट किसी की भी नहीं आई थी जो तुम्हारी इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है। तो मैं इसके लिए यीशु परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरा विश्वास उन पर बहुत बढ़ चुका है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर पॉल को, उनके फैमिली को और जिन्हीं लोगों ने मेरे लिए प्रे किया, प्रेटर लोगों को, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, बस मैं उसके सामने हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं थैंक यू गॉड को करना चाहती हूँ, यीशु परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी प्रकार यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन सेवकाई अनेक दुखी और पीड़ितों के लिए शरण स्थान बना है। यीशु बुलाता है कि प्रार्थना योद्धा बड़े ही बोझ के साथ आपके हर एक प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप भी इस सेवकाई से जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscalls.org का उपयोग करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-425-7755 का उपयोग भी कर सकते हैं। आपकी चिंता कौन करता है? He will cry with you. वो आपके साथ रोएगा। He'll be moved with compassion. वो आप पर तरस खाएगा। सच्चा परमेश्वर कौन है? This is the true God. यह सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? God is love. परमेश्वर प्रेम है। स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनकरन के द्वारा त्रिवेंद्रम में 5 दिसंबर 1996 में दिए गए संदेश के एक भाग को। The Bible says in 1 John chapter 4 and verse 8. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 8 पद में बाइबल यह कहती है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is nothing but love. परमेश्वर और कुछ नहीं परंतु प्रेम है। Deuteronomy 33 and verse 3 says, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 3 पद कहता है, God loves his people. परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। He loves his people. वो अपने लोगों से प्रेम करता है। Look at this great God. He was, इस महान परमेश्वर को देहधारी हुआ देखें। In flesh he came. वो देह धारण करके आया। Look at Jesus. यीशु की ओर देखें। Love was flowing from him. प्रेम उसके अंदर से बह रहा था। All sides love was flowing from him. उसके अंदर से चारों ओर प्रेम बह रहा था। Mark 10:16. मरकुस 10 उसका 16 पद। When the little children were brought unto him. जब छोटे बच्चों को उसके पास लाया गया। He embraced them. उसने उन्हें गले लगाया। He kissed them. उसने उन्हें चूमा। And he blessed them. और उसने उन्हें आशीष दी। Mark 10:21. मरकुस 10 उसका 21 पद। A young man who wanted to know the way to heaven. एक नौजवान जो स्वर्ग के मार्ग को जानना चाहता था। When he came to Jesus. जब वो यीशु के पास Jesus आया। Jesus loved him. यीशु ने उससे प्रेम किया। He loved him. उसने उससे प्रेम किया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, In Matthew 14 and verse 14, मत्ती 14 अध्याय उसके 14 पद में, When he saw the multitudes, जब उसने लोगों की भीड़ को देखा, he was moved with compassion, healed the sick. उसने तरस खाया और बीमारों को चंगा किया। Luke 4:40 says, लूका 4 उसका 40 पद कहता है, he laid his hands upon every sick person out of his love and compassion. उसने प्रेम और तरस से भरकर प्रत्येक रोगी पर अपने हाथ रखे। Mark 1:42 says, मरकुस 1 अध्याय उसका 40 से 42 पद बताता है, One day a leper came to him. एक दिन एक कोढ़ी उसके पास आया। He said, Master, उसने कहा, स्वामी, If you are willing, you can heal me. यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। If you are willing, you can cleanse me. यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus was moved with compassion. यीशु ने तरस खाया। He touched him. उसने उसे छुआ। He touched him. उसने उसे छुआ। And he said, I will. और उसने कहा, मैं चाहता हूँ। Be thou clean, my son. तू शुद्ध हो जा मेरे बेटे। Compassion. तरस। Compassion. तरस। God's compassion. परमेश्वर का तरस। Luke 13 and 16. लूका 13 उसका 16 पद। A hunchbacked woman came. एक कुबड़ी औरत आई। He touched her. उसने उसे छुआ। He healed her. उसने उसे चंगा किया। That's the love of God. यह है परमेश्वर का प्रेम। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। He wept with the broken-hearted people. वह टूटे दिल के लोगों के साथ मिलकर रोया।
Luke 7:13-14. लूका 7 उसका 13 और 14 पद। One day he saw a funeral procession. एक दिन उसने लोगों को एक मुर्दे को ले जाते हुए देखा। They were carrying the dead body of a young man. वो एक नौजवान की मृत देह को लेकर जा रहे थे। His mother was crying. उसकी माँ रो रही थी। Entire village was crying. पूरा गांव रो रहा था। The Lord Jesus stopped. प्रभु यीशु मसीह रुक गए। Smooth with compassion. और तरस खाया। Through his mighty power, within 1 second he could know this was a widow. और अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा एक पल में उसने जान लिया कि वो औरत विधवा थी। And now she has lost her only son. और अब उसके इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई है। He broke his heart. इससे उसका दिल टूट गया। He went and touched the body. उसने जाकर उस मुर्दे की अर्थी को छुआ। He walked up to that mother. वो उस माँ के पास गया। He said, "Mother." और कहा, माँ। Weep not. रो मत। Mother. माँ। Weep not. रो मत। The Bible says. बाइबल कहती है। Moved with compassion, he said that. उसने तरस से भरकर यह कहा। Look at him in the house of Martha and Mary. मार्था और मरियम के घर में उस पर गौर करें। They were crying because they lost their only brother Lazarus. वो दोनों रो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते भाई लाजर को खो दिया था। Jesus went there after 4 days. 4 दिनों बाद यीशु वहां पहुंचा। Martha came and cried. और मार्था आकर रोने लगी। Lord, if only you were here, my brother would not have died. प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। John 11:21. यूहन्ना 11:21. John 11:32 says. यूहन्ना 11:32 कहता है। Mary came and said those same words. मरियम ने भी आकर यही बात कही। And the Bible says. और बाइबल कहती है। These words broke the heart of Jesus. इन शब्दों ने यीशु के दिल को तोड़ दिया। It broke his heart. इससे यीशु का दिल टूट गया। And he groaned within himself. और वो अपने अंदर ही अंदर तड़प उठा। He groaned. वो तड़प उठा। He could not bear the sorrow. वो उस शोक को नहीं सह पा रहा था। And the Bible says. और बाइबल कहती है। He sat down. वह बैठ गया। And he broke down. और वो शोकित हुआ। And he wept. और वो रोया। Jesus wept. यीशु रोया। The King of all kings wept. राजाओं का राजा रोया। The Lord of all lords wept. प्रभुओं का प्रभु रोया। The invisible God who came in the form of a man, Jesus wept. वो अदृश्य परमेश्वर जो यीशु के रूप में आया, वो रोया। Years ago. वर्षों पहले। One day. एक दिन। I came from a marriage party. मैं एक विवाह से वापस आया। It was 11 o'clock in the night. रात के 11 बजे का समय था। My wife told me. मेरी माँ ने मुझे बताया। You remember we went to one house the other day. आपको याद है हम एक दिन किसी के घर गए थे। They had a sweet child. उनका एक प्यारा सा बच्चा था। The child was sick. वो बच्चा बीमार था। And now the child died. और अब उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। I remember that scene. मुझे वो दृश्य याद आ गया। I saw the little child being fondled by its grandmother. मैंने उस बच्चे की दादी को उसे दुलारते हुए देखा था। I said, I must go. मैंने कहा, मुझे जाना चाहिए। I went there. मैं वहां गया। I saw the child lying in the very same sofa in which it was alive. मैंने देखा वो बच्चा उसी सोफे पर पड़ा था जिस पर मैंने उसे जीवित देखा था। I couldn't bear my sorrow. मैं अपने शोक को सह नहीं पा रहा था। I sat by the child's side. मैं उस बच्चे के पास जाकर बैठ गया। And I cried. और मैं रोने लगा। Half an hour I cried. आधे घंटे तक मैं रोता रहा। Nobody could control me. कोई मुझे संभाल नहीं पा रहा था। Sorrow. गम। Grief. शोक। Exactly like that, the great invisible God who came in flesh in the name of his son Jesus wept and cried. बिल्कुल इसी प्रकार से वो महान अदृश्य परमेश्वर जो अपने बेटे यीशु के रूप में देह धारण करके आया, वो भी रोया। This is the real God. यह है सच्चा परमेश्वर। He is not a hard-hearted person. वह कोई कठोर दिल व्यक्ति नहीं है। Change your thinking tonight. आज रात अपनी सोच को बदल दें। Change your thinking about God. परमेश्वर के बारे में अपनी सोच को बदल दें। Let us change your presumptions about God. आइए परमेश्वर के विषय में अपने दृष्टिकोण को बदल दें। Let us change your assumptions about God. आइए परमेश्वर के विषय में जो हमारी धारणाएं हैं उन्हें बदल दें। Let us change your conventional thinking about God. आइए परमेश्वर के विषय में अपनी परंपरागत सोच को बदल दें। God is love. परमेश्वर प्रेम है। If you are going to cry tonight, यदि आज रात आप उसके सामने रोएंगे, If you are going to cry, Master, this pain is so much. यदि आज रात आप रोकर कहेंगे, स्वामी, यह पीड़ा बहुत ज्यादा है। If you say, Master, this pain is unbearable.
यदि आप कहेंगे स्वामी यह पीड़ा असहनीय है, This cancer is killing me. यह कैंसर मुझे मार रहा है. Master, this agony is unbearable. स्वामी यह वेदना असहनीय है. He will cry with you. तो वो आपके साथ रोएगा. He will cry with you. वो आपके साथ रोएगा. He'll be moved with compassion. वो आप पर तरस खाएगा. He will come near you. वो आपके पास आएगा. Hold your hand. आपका हाथ थामेगा. He will say. वो कहेगा. My son. मेरे बेटे. Cry not. मत रो. My daughter. मेरी बेटी. Weep not. मत रो. This is the true God. यह सच्चा परमेश्वर है. This is the base on which we receive our miracles tonight. यही वो आधार है जिस पर आज रात हम अपने चमत्कारों को पाएंगे. I gave my heart to Jesus Christ on the 11th February 55. मैंने 11 फरवरी 1955 के दिन यीशु को अपना दिल दिया. As I was running to commit suicide. जब मैं आत्महत्या करने के लिए दौड़ कर जा रहा था. My uncle told me about this wonderful person called Jesus. मेरे अंकल ने मुझे इस अद्भुत व्यक्ति यीशु के बारे में बताया. I came back home. मैं घर वापस आया. I cried and cried. और मैं रोता गया. 4 hours I cried for my sin. 4 घंटे तक मैं अपने पाप के लिए रोता रहा. A great peace came into my heart. फिर मेरे दिल में एक बड़ी शांति आ गई. I began to read the Bible. मैं बाइबल पढ़ने लगा. I found in the Bible God speaking to Noah. मैंने बाइबल में परमेश्वर को नूह से बात करते हुए पाया. Walking with Noah. नूह के साथ चलते हुए देखा. Walking with Enoch. हनोक के साथ चलते हुए देखा. Walking with Abraham. अब्राहम के साथ चलते देखा. Talking to Moses. मूसा से बात करते देखा. I said, where is this God now? मैंने कहा, अब यह परमेश्वर कहाँ है? I must see him. मुझे उसे देखना है. I must talk to him. मुझे उससे बात करनी है. I must hear him. मुझे उसकी आवाज को सुनना है. I prayed for 7 full years. पूरे 7 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा. I was working in the bank. मैं बैंक में काम कर रहा था. Sometimes I used to come in the middle of the night at 12 o'clock. कई बार रात को 12 बजे मैं घर पहुंचता था. Till I will kneel down. और उस समय आकर भी मैं घुटने टेकता था. I will cry for 2 hours. 2 घंटे तक मैं रोता था. Every day I was crying. हर दिन मैं रोता था. I want to see you, Father. मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता. I was preaching the gospel. मैं सुसमाचार प्रचार करता था. Regularly going to the church. निरंतर मैं चर्च जाता था. I'll do what little I can do for my pastor. अपने पासबान की सहायता के लिए जो भी मैं कर सकता था करता था. Nevertheless. तो भी. I will cry. मैं रोता था. I want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ. On the 10th October 1962. 10 अक्टूबर 1962 के दिन. When I came back from the bank, dead tired at 9:30 PM. रात के 9:30 बजे जब मैं बुरी तरह से थका हुआ बैंक से वापस आया. When I knelt down with my father and mother and other guests for the night prayer. और मैं अपने माता पिता और कुछ मेहमान जो हमारे घर में थे उनके साथ रात की प्रार्थना में बैठा. God's chose that moment. परमेश्वर ने उस पल को चुना. The room was filled with the divine presence. हमारा वो कमरा अलौकिक उपस्थिति से भर गया. Heavenly light came upon us. स्वर्गीय ज्योति हम पर चमकी. And I saw a magnificent person standing there. और मैंने एक तेजस्वी व्यक्ति को वहाँ पर खड़े देखा. He said, I am Jesus. उसने कहा, मैं यीशु हूँ. I am Jesus. मैं यीशु हूँ. Because you sought me diligently. क्योंकि तूने मन से मुझे खोजा. I have heard your cry. मैंने तेरा रोना सुना है. I have come personally to bless you. और मैं स्वयं तुझे आशीष देने के लिए आया हूँ. I saw him for 3 full hours. पूरे 3 घंटे तक मैंने उसका दर्शन पाया. 10:15 to morning 1:15. रात के 10:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक. I saw him. मैंने उसे देखा. I heard him. मैंने उसको सुना. He told all about my future. उसने मेरे भविष्य के बारे में सारी बातें मुझे बताई. Time just passed away. और वो समय बीतता रहा. And I looked at his face. और मैंने उसके चेहरे को देखा. This only one aspect I will touch today. आज मैं केवल इसी विषय के बारे में बात करूंगा. I saw his face. मैंने उसके चेहरे को देखा. How does the face of Jesus look? यीशु का चेहरा कैसा दिखाई देता है? Full of love and compassion. उसका चेहरा तरस और प्रेम से भरपूर है. As a loving mother would look at her child. जैसे एक माँ अपने बच्चे की ओर प्यार से देखती है. He looked at me. उसने वैसे ही मेरी ओर देखा. With great love and compassion. बहुत बड़े प्रेम और तरस के साथ उसने मेरी ओर देखा. All my worries flew away. मेरी सारी चिंताएं चली गईं. All my griefs went away. मेरा सारा शोक चला गया. I can never forget that moment. उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता. God is love. परमेश्वर प्रेम है.
God is love. परमेश्वर प्रेम है. Shall we all say that one? आइए हम सब ये मिलकर कहें. God is love. परमेश्वर प्रेम है. He is love. वो प्रेम है. In Jesus only we see this great love. केवल यीशु में ही हम इस महान प्रेम को देखते हैं. Oh, He will never leave you nor forsake you. हाँ, वो ना तो कभी आपको छोड़ेगा और ना त्यागेगा. हम विश्वास करते हैं कि आपने इस संदेश के द्वारा आशीषों को पाया होगा. तो आइए अब बहन स्टेला दिनकरन के साथ मिलकर प्रार्थना में शरीक होएं और परमेश्वर की आशीषों को पाएं. Our precious heavenly Father, हमारे अति प्रिय प्रेमी परमेश्वर पिताजी, What a glorious life to have a close communion with you, Father. पिता, आपके साथ घनिष्ठ संगति में चलना कितना ही उत्तम जीवन है. Even now, look into the lives of your children. इस समय अपने बच्चों के जीवन में झांके पिता. Those who are having addictions in their lives. जो अपने जीवन में बुरी लतों के शिकार हैं. Wrong doings in their lives. जीवन में गलत कार्यों में लगे हुए हैं. Lord, look to them. प्रभु, उनकी ओर देखें. Have love towards them, Master. उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें स्वामी. Lord, do a miracle in their life. उनके जीवन में अपना चमत्कार करें. You are a God of love. आप प्रेमी प्रभु हैं. Let your love flow through their lives. आपका प्रेम उनके जीवनों में बहने लगे. Touch their hearts, Father. उनके हृदयों को छू लें पिता. As you touch the heart of Samaritan woman. जैसे आपने उस सामरी स्त्री के हृदय को छुआ. Touch their hearts right now. इसी समय उनके हृदयों को छू लें. Speak to everyone. सबसे बात करें. Those who are away from you. जो आपसे दूर हैं पिता. Lord, touch their hearts. उनके हृदय को छू लें प्रभु. The husbands. पति जो हैं. Wives. जो पत्नियां हैं. And the children. और जो बच्चे हैं. And the elderly people. जो वृद्ध हैं. Touch the hearts of everyone. प्रत्येक के हृदय को छू लें. Bring everyone of them closer to you. प्रत्येक को अपने समीप ले आए. Forgive all their sin. उनके सब पापों को क्षमा करें. Lord, do a miracle. प्रभु, अपना चमत्कार करें. Transform their lives right now. इसी समय उनके जीवनों को बदलें. Hallelujah. Let your power go through their body, soul and mind. आपकी सामर्थ्य उनके देह, प्राण, आत्मा में बह निकले. Especially touch their soul. विशेषकर उनकी आत्मा को छुएं. Those who are away from you. जो आपसे दूर हैं. Touch right now. इसी समय छू लें. Let your love flow through their body, soul and mind. आपका प्रेम उनके देह, प्राण, आत्मा के द्वारा बहने लगे. Bring them closer to you. उन्हें अपने समीप लेकर आएं. Forgive all their sinful lives. उनके सारे पापी जीवन को क्षमा करें. Lord, give them salvation experience. प्रभु, उन्हें उद्धार का अनुभव दें. Let them say, Jesus is my savior. वे कहें कि यीशु मेरा उद्धार करता है. Let them not go back to their old past sinful life. प्रभु, वो अपने पुराने पापी जीवन में वापस ना लौटें. Bring them, Lord. उन्हें ले आएं. Let everyone give their hearts to you. प्रत्येक अपना हृदय आपको दे दे. Touch even the little children. छोटे बच्चों को भी छुएं. Let them all come to thee with a real thirst to accept you as their savior. वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की सच्ची प्यास के साथ आपके पास आएं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. We give you all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं. Because of you they are all turning towards you. आपकी वजह से ही वे आपकी ओर लौट रहे हैं प्रभु. They are having a close communion with you. आपके साथ घनिष्ठ संगति कर रहे हैं. Father, give them grace to walk in your ways. पिता, उन पर अनुग्रह करें कि आपके राहों में चले. Read your word of God. आपके वचन को पढ़ने वाले हो. And to spend time with you. और आपके साथ समय बिताने वाले हो. Those who are not doing that. जो ऐसा नहीं कर रहे हैं. Give them your grace. उन्हें अपना अनुग्रह दे. Your grace. अपना अनुग्रह दे. Your grace. अपना अनुग्रह दे. Your grace only is sufficient for them, Lord. आपका अनुग्रह उनके लिए काफी है. Pour your grace upon such people who are not at all doing these things, Master. अपना अनुग्रह ऐसे लोगों पर उंडेल दे जो यह काम नहीं कर रहे हैं. Give them the thirst. To read your word. आपके वचन को पढ़ने की प्यास आप उन्हें दें. Give them grace to understand your word. आपके वचन को समझने का अनुग्रह उन्हें दें. And to have it within their hearts all the time. और हर समय वे इसे अपने हृदयों में रख सकें. And to be in your presence. और वे आपकी उपस्थिति में बने रहें. The morning. सुबह के समय. Early morning. प्रातःकाल को. Especially the husband and wife. विशेषकर पति और पत्नी. For the blessing of their family. परिवार की आशीष के लिए. Let them do it, Master. वे ऐसा कर पाएं प्रभु. Give the families
grace to be in your presence as a family. अनुग्रह करें कि वे परिवार के रूप में आपकी उपस्थिति में बैठें. Unite them together. उन्हें एक करें प्रभु. Let everyone come into their presence in the morning time as a family. सब लोग सुबह के समय परिवार के रूप में आपकी उपस्थिति में आएं. Right now. इसी समय. Right now. इसी समय. I cry unto thee. मैं आपको पुकारती हूँ. To give this grace to your people. कि यह अनुग्रह अपने लोगों को दे दे प्रभु. Whatever problems they are going through. जिन समस्याओं का वे सामना कर रहे हैं. Let it be gone by the power of God. परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ये चली जाए. Father, पिता, fill your children with the grace of God. अपने लोगों को अपने अनुग्रह से भरे. With the precious Holy Spirit. बहुमूल्य पवित्र आत्मा से. Lord, fill everyone. प्रभु सबको भर दे. Fill everyone right now. इसी समय सबको भर दे. Families after family. परिवारों के परिवार भर जाए. Individuals after individual. प्रत्येक व्यक्ति भर जाए. Fill everyone. हर किसी को भर दे प्रभु. Fill them, Lord. भर दे प्रभु. Fill them, Lord. भर दे प्रभु. Fill them, Lord. भर दे प्रभु. Let them receive the power of God. वे परमेश्वर की शक्ति को पा सके. Power of God. परमेश्वर की शक्ति. Let the Holy Spirit teach them the ways of the Lord. पवित्र आत्मा उन्हें प्रभु का मार्ग सिखाए. Let them have a close communion through that. इसके द्वारा वे घनिष्ठ संगति कर सके. Let them all have the thirst to do something to work for the Lord and to glorify his name. उनके अंदर ऐसी प्यास डालें कि वे परमेश्वर के लिए कुछ करें जिसके द्वारा उसके नाम की महिमा हो. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. I know you heard this prayer. मैं जानती हूँ आपने इस प्रार्थना को सुना है. You'll surely bless your people. आप निश्चय अपने लोगों को आशीष देंगे. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. Amen. Amen.